हाथ रखो बुलाने का ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे अमर रहे। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे अमर रहे। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे अमर रहे। स्वामी विवेकानंद जी नंद के आनंद की आनंद आनंद के आनंद की जय विवेकानंद की नंद के आनंद की जय विवेकानंद की नंद। नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। आज 12 जनवरी को विश्व हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी जो महान संत हुए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जिनके एक भाषण ने सन 1893 में 11 सितंबर को शिकागो के दिए गए उनके विश्व विख्यात भाषण ने पुनः विश्व को एक बार भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो भाव है उसके प्रति खींचा। और आज उन्हीं महान संत के जयंती पर आज हमने अपनी म्यूनसिपल काउंसिल की कठुआ की तरफ से युवा दिवस के उपलक्ष्य पर उनको श्रद्धांजलि दी है। और स्वामी जी कहते थे कि यदि देश में कोई बदलाव, विश्व में कोई बदलाव ला सकता है वो केवल युवा पीढ़ी है। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ आज के इस दिन पर कि स्वामी जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिखलाई हुई राह पर पूरा विश्व चले, भारतवर्ष चले। और बहुत दिन दूर नहीं है, जिस तरह भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, भारतवर्ष फिर से एक बार पुनः विश्व गुरु, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर है। और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से स्वामी विवेकानंद जी को कौशल की तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साढ़े साथियों दस्या स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती है और मैं इस अवसर उपर उन्हें की शत शत नमन करन और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अपनी तरों प्रकट करन। और मेरे लिए तो स्वामी विवेकानंद जी एक राष्ट्र ऋषि है और मैं ऋषि इसलिए नहीं उन्हें कि आखा ना कि उन्हें कोई कोहे बूटे के थले कोई जंगल के उपर बिच जाइए कमंडल हाथी च पड़ी है कोई उन्हें तपस्या की। वैसे वह भी एक ऋषि तत्व का ही आयाम होंद, पर एक होर ऋषि होंगे जेडे समाज च निरंतर विराग्य बनाइए, सादगी बनाते हुए अपने के ना अपने काम करन, समाज की सेवा करन। स्वामी विवेकानंद जी उन्दे चो एक ऋषि है और मैं ईश्वर अगे कामना करना कि जेड़ा रस्ता जेड़ा मार्ग सानू दसीए है अस उदे पर चलीए और जेड़ा उनका लक्ष्य हा कि इस भारत माता की द्वारा संपन्न बनाना है, सशक्त बनाना है, उस लक्ष्य की उस गंतव्य स्थान की अस द्वारा प्राप्त करिए। जय हिंद जय भारत। बहुत आज विवेकानंद जी के इस अवसर पर जो हमारे युवा के प्रेरणा लिए युवा ने और जो देश विश्व भर में इनका नाम है, मैं इनको नमन करता हूँ आज के दिवस पे और पूरे विश्व में पूरे युवा को इन्हीं की कहता हूँ आज इनके नेट पे इनके पढ़ें और देश को आगे ले जाएं। तो जो युवा को इन्होंने प्रेरित किया है, जो हम इनको दिल से नमन करते हैं और मैं खासकर आपके माध्यम से, आज मेरा दूसरा दिन है प्रेजिडेंट लखनपुर का, तो उन्होंने आज मुझे नरेश शर्मा जी का और पूरी कठुआ की कौंसल का मैं शुक्रिया अदा आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे आज यहां बुला के और ये फंक्शन का मैं धन्यवाद करता हूं और पूरी कौंसल का वाइस प्रेसिडेंट इंदु रेखा जी का जो इन्होंने मुझे सम्मानित किया और यहां पे आप आने का मुझे इन्विटेशन दिया। थैंक यू। जय हिंद। जय ऑफिस के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ मेरे कौंसल ऑफिस के अंदर यहाँ उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर और एक अपने भाषण के दौरान जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति, अपने देश के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, पूरे विश्व के यूथ ने उनके ऊपर कायल होकर उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। और आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो स्वामी विवेकानंद संत जी ने जो लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया है, हम उसके ऊपर चलने की कोशिश करें और उसके ऊपर